नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ये आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज का वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे आप इमैच्योर जो कॉल होता है या मार्केट होता है उसको अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारा मार्केट में जो ट्रेडर होता है उसका एक टेंडेंसी होता है, जो मार्केट ओपन होते ही वो कहीं ना कहीं पर ट्रेड लेने का कोशिश करता है। जैसे मार्केट ओपन होता है उसको कहीं ना कहीं पर ट्रेड डालना पड़ता है, बट ये चीज़ टोटली गलत है। फर्स्ट मार्केट को थोड़ा सा स्टडी होने के लिए टाइम देना चाहिए। तो बहुत टाइम देखा जाता है जो आफ्टर 30 मिनट, मतलब 9:15 को मार्केट ओपन होता है, आप 30 मिनट अगर छोड़ देंगे तो 9:45 का बाद मार्केट में एक स्टेबल मूवमेंट देखा जाता है, उसका बाद अगर आप ट्रेड करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसा बहुत सारा केस में देखा जाता है जो फर्स्ट हाफ एन आवर इमैच्योर रहता है, जहाँ पर बहुत सारा ट्रेडर गलती से ट्रेड कर जाता है और बहुत सारा लॉस हो जाता है। और दिन का अगर फर्स्ट कॉल में अगर लॉस हो जाएगा तो आपको सारा दिन के लिए मोरल डाउन हो जाएगा। तो देखिए, उसी का एक एग्जाम्पल मैं आज को गेल का ऊपर दिखाने जा रहा हूँ। आज को देखिए मार्केट ओपन हुआ है, ऊपर में डेट एंड टाइमिंग शो कर रहा है, ये आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है। फर्स्ट कैंडल देखिए थोड़ा सा बड़ा जनरेट हुआ है और ये ब्लू कलर का जनरेट है, नीचे में आपको एक ग्रीन कलर का बाय का कॉल दिख रहा है। अभी जो बाय का कॉल है यहाँ पर तो मुझे दिखाई दे रहा है ये कंडीशन का हिसाब से सही नहीं है। जैसे नीचे का जो रिबन है वो मेरा ग्रीन है अभी, सॉरी रेड है अभी भी, और ब्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो अभी भी आपका डाउन ट्रेंड में है। ब्रिक्स मतलब ये जो नीचे वाला इंडिकेटर आपको दिख रहा है, यहाँ पर कैंडल टाइप का जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है इसे हम लोग ब्रिक्स कहते हैं। इसका 3 टाइप ऑफ कलर होता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड सेलिंग के लिए, ग्रीन बाइंग के लिए, ब्लू मतलब ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, बट मेन जो फैक्टर है वो है मिडिल का ये जो पतला सा ब्राउन कलर का लाइन आपको दिख रहा है ये वाला। अगर ब्रिक्स का फॉर्मेशन ब्राउन कलर का लाइन का नीचे है, मतलब आप सेलिंग पे, तो ये जो फर्स्ट बाय का कॉल बन रहा है ये टोटली फॉल्स कॉल है। बट दूसरा जो सेल का कॉल है यहाँ पर आप फंस सकते हैं। देखिए, ये सेल का कॉल में सारा कंडीशन आपका फेवर में दिख रहा है, नीचे का रिबन रेड है, ब्रिक्स आपका फेवर में है, स्टार पहले से ही चल रहा है, रेड स्टार, हर एक सिग्नल का पहले स्टार बनेगा। जैसे स्टार अगले दिन से चल रहा है तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, जो स्टार मेरा ऑलरेडी कंफर्म है। अब ऐसा सिचुएशन में हम लोग ट्रेड करने से फंस जाते हैं। जैसे ये 9:20 का मॉर्निंग का फर्स्ट कॉल है, अगर इसी कॉल में हम लोग ट्रेड ले लेते हैं तो यहाँ पर आपका नेगेटिव पॉइंट क्या है? देखिए, लेवल को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ पर ट्रेड करने जा रहे हैं तो ये देखिए ब्रेकडाउन जोन बोल के एक जोन दिखाई दे रहा है जिसका नीचे मार्केट में कॉल बन रहा है, मतलब ब्रेकडाउन जोन एक लेवल होता है सेलिंग के लिए, जो ऑलरेडी उसका नीचे मार्केट आ चुका है और उसका नीचे भी अगर मार्केट जाता है तो ये जो रेड कलर का डॉटेड लाइन है ये आपका सपोर्ट लाइन है। तो मुझे दिखाई दे रहा है जो जहाँ पर मैं सेल करने जा रहा हूँ भले ही कंडीशन मैच है बट लेवल मेरा फेवर में नहीं है, और आप एक ऐसा सिचुएशन में ट्रेड कर रहे हैं जिसे हम लोग इमैच्योर मार्केट बोलते हैं। तो फर्स्ट हाफ एन आवर को थोड़ा सा कोशिश कीजिए अवॉइड करने का, क्योंकि फर्स्ट हाफ एन आवर में बहुत सारा केस देखा जाता है जो मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज रहता है या फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, तुरंत मार्केट को रिवर्स कर जाता है। तो अल्टीमेट देखिए, ये जो सेल का कॉल है अगर हम लोग लेवल को थोड़ा सा ध्यान में देखेंगे तो अल्टीमेट देखिए मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर ये जो बाय का कॉल है यहाँ पर देखिए ये कॉल 9:50 पर आया है, मतलब हाफ एन आवर आपका हाथ से निकल गया मार्केट में। आफ्टर हाफ एन आवर मार्केट में एक स्टेबल मूवमेंट दिखाई देता है, मतलब एक ट्रेंड पकड़ लेता है मार्केट, तो ये अक्सर देखा जाता है। तो उसी का एग्जाम्पल है ये वीडियो। अभी ये जो बाय का कॉल बना है यही सेम कंडीशन देखेंगे, नीचे का रिबन देखिए दोबारा ग्रीन हो गया, ब्रिक्स आपका फेवर में ऑलरेडी आ चुका है और स्टार बन चुका है जिसका बात कर रहे थे, तो तीनों कंडीशन आपका फेवर में है, मतलब ये कॉल आपके लिए सही हो सकता है। और इसका लेवल क्या होगा, ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है ये आपका रेजिस्टेंस है जो काफ़ी करीब है, तो ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, बट ग्रीन रेजिस्टेंस को अगर तोड़ देता है तो आपको लंबा प्रॉफिट मिल सकता है, ये आपका ब्रेकआउट जोन। तो ये जो लेवल है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेवल को समझना, सिर्फ कंडीशन को मैच करके ट्रेड करना है ऐसा नहीं, लेवल को भी समझना है। जैसे देखिए रेजिस्टेंस को इस कैंडल ने तोड़ दिया तो रेजिस्टेंस को तोड़ने का मतलब है यहाँ पर एक मौका मुझे दिखाई देगा बाइंग में प्रॉफिट बनाने के लिए। इस सारा चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, अगर आप सारा चीज़ को समझ के मार्केट में ट्रेड करते हैं तो देखिए आप इजीली प्रॉफिट बना पाएंगे। धीरे धीरे देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया और इस कैंडल पर अगर आप ध्यान से देखेंगे इस कैंडल ने मार्केट में जो ब्रेकआउट जोन का बात कर रहा था उसका लेवल को तोड़ दिया जिसका वैल्यू था 106.6। तो यहाँ पर एंट्री लेके मैं आराम से ब्रेकआउट जोन तक प्रॉफिट बना सकता हूँ। तो ग्रीन डॉटेड लाइन आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, अगर उसको तोड़ेगा तो ब्रेकआउट आपका सेकेंड लेवल हो जाए।
वैसे ही नीचे में जो ब्रेकडाउन जोन है और रेड डॉटेड लाइन जो आपको सपोर्ट का है, तो अभी देखिए सपोर्ट लाइन ऊपर चला गया क्योंकि मार्केट ऊपर गया, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का मूवमेंट थोड़ा सा चेंज होता है, बट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का चेंजेस नहीं होगा। तो ये जो चार चीज़ है ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आप एंट्री ले रहे हैं। सबसे पहला चीज़ है फर्स्ट हाफ एन आवर को थोड़ा सा मतलब देख के खेलिए, हड़बड़ी में ट्रेड मत कीजिए। और उसके बाद अगर ट्रेड ले रहे हैं तो आप लेवल को पहचानिए, जो लेवल कहाँ पर है उसका बाद ही ट्रेड कीजिए, उसका पहले नहीं। तो कैसा लगा कंसेप्ट जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे। मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज रहा मुझे कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।